हाँ जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने लगवानी है घर के बाहर लाइटें। तो बेटे हम अपना काम करके आते हैं, ये करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। नडान की वादियों में अकेले घूमते हुए मोटरसाइकिल पे चली, लेकिन इसमें जो है ना Assalamualaikum, welcome back to another vlog। तो कैसे हैं आप, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ आपका भाई भी हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक। तो यार आज है हफ्ते का दिन, जैसा कि आपको पता कि हफ्ते के दिन आपके भाई को जो है ना दो चार काम होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि हमने मार्केट मुड़कर जाना होता है। फिलहाल हम फ्रेश हो गए हैं, कपड़े शपड़े हमने चेंज कर लिए हैं, चलते हैं जाके नाश्ता नुश्ता करते हैं, फिर उसके बाद अपने काम शामों की तरफ निकलते हैं, मार्केट मुड़कर चलते हैं। जो जो करेंगे साथ साथ आपको वो भी विजिट करवाते रहेंगे। आज आपको छोटे टेडे से मोहित से भी मिलवाते हैं और दो चार हमारे घर में बच्चे और हैं उनसे भी मिलवाते हैं। सो आपने हमारे साथ रहना, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले पहुंचा करे आप तक। ओके, हमारे साथ ही रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो यार हमेशा की तरह हम निकल पड़े हैं लाहौर की मशहूर तरीन मार्केट रंग महल की तरफ। अब हम जा रहे हैं रंग महल, वहाँ जाके एक बहुत ही मज़ेदार जो है ना बिरयानी वाला है उसके पास आपको लेके चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन दिखाते हैं आपको। लाहौर का ये जो अंदरून शहर है, जैसा कि ये भाटी लोहारी हो गया, ये आधे से ज़्यादा तो ये अपनी पतली पतली गलियों की वजह से जाना जाता है। आप भी इन गलियों के मज़े लो। नडान की वादियों में अकेले घूमते हुए मोटरसाइकिल पे बाबा जी का पीछा करते हुए बाबा कभी सज्जे डोल रहे हैं कभी कपे। ये बाखा था गली भांग, ये सब कुछ जो है हम कर रहे हैं, ये गली भांग इधर जाना ही। तुझे पता फिर हमारी सारी जिंदगी जो है ना इधर ही गुजरी है, ये सब कुछ हम कर रहे हैं एक बिरयानी की प्लेट के लिए। इतनी दूर हमें जाना पड़ रहा है, किन वादियां नरान के गगन के रास्ते से गुजर रहे हैं अंकल के पीछे पीछे जा रहे। तो ये फंस गए चोर, ये देख गैस का वेप कहां पे आ जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। ये हम आ गए हैं अपनी मंजिल पे, कहां पे मंजिल पे। अभी तूने क्या बात की, मार खाने वाली बात की। हम आए हैं इधर रंग महल बिरयानी खाने, जैसा कि हमने आपको बताया अंकल ने इससे पूछा कौन सी खा ली आप या वो अंकल को कहता लजीजा। ये देखो इनकी शॉप का नाम है लजीजा बिरयानी अल मशहूर, सुबह का नाश्ता सिरी पाए। इनकी जो बिरयानी है ना वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है। आपका भाई जब इधर काम करता था ना रंग महल में, आपके भाई ने दो से तीन साल काम शाम किया हुआ है, जब हम यहाँ पे काम करते थे हम इनकी बिरयानी खाते थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। हाँ कौन सी खानी है आपके बोल लजीजा। अब यहाँ से बिरयानी खाते हैं, बिरयानी मंगवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम इतनी दूर से यहाँ पे बिरयानी खाने आए हैं उसका क्या टेस्ट है। इनके पास जो है ना छोटी सी सिटिंग है, अंदर तो जगह नहीं मिली हमने। यहाँ पे भाई जो है ना अपने डबल स्टैंड पे लगा लिया, मैं और वैश भाई हैं, हम यहीं पे बैठ के खा लेंगे। अब इनसे डिस्पोजेबल स्पेलिंग सुना दे जल्दी से, जल्दी से डिस्पोजेबल के स्पेलिंग सुना, जल्दी जल्दी सुना, तेरे से पूछा है जल्दी सुना डिस्पोजेबल। हाँ डी पी ओ के स्पेलिंग भी तो सुना जल्दी जल्दी सुना डिस्पोजेबल के स्पेलिंग। यार एक मिनट अंकल गुस्से में आ गए इसको स्पेलिंग भी आती है ये मुझे कह रहा है अंकल को थोड़ा मजा आ गया अंकल तेरे ऊपर बैठ गए तेरा सांस नहीं निकल रहा यहाँ की आ गया। ये देखो जी हर प्रॉब्लम का हल एक ही सोल्यूशन, कोई यूपीएस यूपीएस हो एल सी डी ए सी यू सी आपने एक ही भाई से रहा करना ठीक हो गया। हर जगह ये आपका भाई जाना एक ही सोल्यूशन लगा होता ठीक है। वैस भाई ये है चाचा जी ठीक हो, तुम ये सही ठीक है सब ये ऐसे, कोई हाल चाल पूछो ना। मेरा हाल तो ठीक है, तू अपना हाल सुना, पैसे दे फिर मैं तेरा हाल पूछा। वैसे ही पैसे दो अंकल को, अंकल आपका हाल पूछे तभी ऐसे। कोई पैगाम देना चाहोगे आवाम नु? पैगाम आवाम नु की देना चाहना, ताड़ी मेहरबानी यूके ते वीजे लवाओ ते बाहर जाओ, पाकिस्तान कुछ नहीं बचे है। ए बिल्कुल सही गल, ऐसे गल ते पहले सलाम होए जिने के महंगाई हो गई ने, जिने के महंगाई हां उथे जाके तुसी राम राम कर लो, लेकिन इथे हाल बहुत बुरा है।
ਸਾਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਮਾਸਟਰ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਐਗੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਬਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ ਬਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਚਮਚ ਯਾਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੇ ਚਮਚ ਲਾ ਦੂੰ ਹਾਂ ये देखो जी ये मान लो चावल आ ये इसको ये चम्मच से कीड़ा होता है पता नहीं इसको क्या कीड़ा है ये इतनी दूर से ना ये चावल खाने आए हैं इनके काफ़ी ज़्यादा लजीज चावल होते हैं इसलिए इन्होंने अपनी शॉप का नाम रखा है लजीजा बड़े हैं अब अच्छा तेरा क्या ख्याल है तू खा लेगा अगर तेरे में ज़्यादा ये भी तेरा बेहतर से छीनने लगा मुझे ये लग पीस पसंद नहीं ना हम जरा खाते हैं बोनलेस ठीक हो गया अब हम जरा यहाँ से चावल चुबल खाते हैं फिर उसके बाद यहाँ ना हमारे चाचू की दुकान है उनके खाते में से यहाँ से मुफ्त के मिल्क शेक पियेंगे फिर घर जाएंगे चावल हमने इनके खाए हैं सिर्फ ये नाम के लजीजा नहीं है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा टेस्ट था जी रैस भाई कैसा टेस्ट लगा आपको लाइक और नॉट लाइक लाइक पसंद आया ना बहुत अच्छा टेस्ट था इनका अब हम लेके आना यहाँ से सुबह का नाश्ता हमने कर लिया अब हम चलते हैं घर जाके मैं दूसरा काम है अपने काम शाम करते हैं हमारे साथ रहना आप क्या जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने लगवानी है घर के बाहर लाइटें तो ये सामान वगैरह आ गया है ये लाइटें शाइटें पड़ी हैं अब वो भाई जो है ना वो छत का नाप वगैरह ले रहे हैं कि कितनी लाइटें लगेंगी क्योंकि हमने शुरू से एंड तक लगवानी है ये भाई नाप वगैरह ले रहे हैं ये वासाई जो है ये अपने फ़ोन शोन पर मसरूफ़ है अब ये बस लाइटें वगैरह जो है ना हम पहले कम्प्लीट कर लेते हैं हमसे पूछते हैं कि लगनी कितनी है ये सारी कम्प्लीट करने के बाद फिर अब जितनी कम पड़ेंगी हम उतनी ले आएंगे ये अभी फिलहाल हमारे पास जो है ना 70-80 लाइटें पड़ी हुई है बाकी अब इसका हिसाब किताब लगवाते हैं जितनी कम पड़ेंगी वो हम ले आएंगे फिर बाहर से ये जो है ना ये हमने एक लड़ी जो है ना इसकी लटका के देखी है वो हमारे नीचे वाले पोर्शन तक जा रही है अब हमने ये डिसाइड किया कि हमारी ना एक लाइन में टोटल 50 लगेंगी तो हम 50 इस वाले पोर्शन पर लगा लेते हैं फिर 50 नीचे से जाएंगे वो उधर से लगा लेंगे टोटल 100 हो जाएंगी फिर इनको हम लगाते हैं फिर भाई से देखते हैं कि क्या इसका टोटल होता है ये देखो जी हमने कील भी ले आए हैं कील के साथ ये टेपे शेपे भी ले आए हैं हथौड़ी भी उसको दे दी है ये तारे शारे भी दे दिए हैं अब बाकी जो थोड़ा सा सामान है ना लाइटें जो काम है वो हम इसको इसकी शॉप से ला के दे देते हैं फिर ये अपना काम करता रहेगा और हम अपना काम करते रहेंगे ये देखो जी बाहर से ऐसी लुक आती है हमारे घर की ये भी जो है ना लाइटें शाइटें लग रही हैं बाकी जो है ना जो कम पड़ी हैं हम वो लेने जा रहे हैं तब तक ये भाई मच्छी बात जो बेच लेंगे तब तक ये भाई जो है ना ये अपना काम सामने बैठे हम अपना काम करके आते हैं ये घर हाय 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 ये लाइटें हमने पकड़ी हैं ये भाई के घर से जो लाइटें लगा रहे हैं ना उनके पास पड़ी हुई थी ये हमने उनके घर से लाइटें पकड़ी हैं ये वासाई जो है ना बात कर रहे हैं कोई कील चील का रोला पड़ गया हम पहले 2 इंच के कील लाए थे अब वो कह रहा है कि 1 इंच के चाहिए ये लाइटें शाइटें हमने ले ली हैं अब ये लेके चलते हैं घर ये लाइटें कुछ मुछ हुई नहीं है एम ही हम कोई पंगा लें हमारे पल्ले पड़ जाए की किया भाई इसलिए हमने इसको छेड़ नहीं रहे वैसे ही आगे भाई लाइटें शाइटें देख रहे आगे भाई को ना कीड़ा होता है कि हर चीज़ में ना घुसने का ये हमने वैसे ही देख रहे थे ये वासे के घर आए हैं वो कुछ सामान वगैरह लेने गया ऊपर से वो आता है फिर उसके बाद इसको पकड़ते हैं फिर चलते हैं तो हम कहीं फोकस करते हैं ना हमारा फ़ोन फोकस नहीं पकड़ यार आपको पता आपका भाई गरीब है देखो हमने ना हमारा की चैन नहीं था हमने चाबी किस तरह बंद की हुई है वासा ही ने देखा कि हमारी चाबी ऐसे बंद हुई है अगले ने मैंने यहाँ की चैन गिफ्ट की है आए 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 की चैन भी VIP की होल्डर कोई आम वाला नहीं है ये देखो फैन पंखा भी लगा हुआ है गर्मियों में हवा देगा मैं यार VIP वासाई ने देखा कि यार मेरे यार ने ये क्या गरीब वाला काम किया हुआ तो उसने मुझे ये गिफ्ट कर दिया यार आई लव यू यार जैसा कि आप लोगों ने शुरू में देखा कि हमने कहां से कहां तक हमारी वीडियो शुरू हो गई है ये ना मैं कोई तकरीबन आपका भाई पिछले 10 से 12 दिन से व्लॉग्स के पार्ट बनाए जा रहा था घर में कुछ भी होता था हम ना वीडियो का पार्ट बना के रख लेते थे कि यार हम ना व्लॉग पूरा कर लेंगे वो पूरा करने के चक्करों में ही हमारा कोई भी व्लॉग पूरा नहीं हुआ लेकिन आज घर के बाहर लाइटें लग रही थी तो मैंने कहा कि यार इसका भी अगर हमने व्लॉग ना बनाया तो फिर हमारी व्लॉगिंग का क्या फ़ायदा कि जब हम लोगों ने आपको कुछ दिखाना ही नहीं है सो आज ये घर के बाहर जो है ना लाइटें वगैरह लग रही हैं तो ये भी हमने आपको दिखा दी है अभी ये भाई को हमने यहाँ छोड़ के हमें जरा 2-4 काम है हम जा रहे हैं एक्चुअली हमने अपना थोड़ा सा काम करना है हम अपना काम कर लेंगे तब तक ये लाइटें वगैरह लग जाएंगी आप फिलहाल ना पिछले पार्ट्स एंजॉय करो जो मैंने पिछले 10 से 12 दिन में छोटे छोटे हर चीज़ का पार्ट वगैरह बनाया ना वो 10 से 12 पार्ट्स होंगे आप लोग जरा वो एंजॉय करो हम तब तक अपना काम शाम निपेड़ आते हैं फिर आके ये लाइटों वाले काम को दोबारा जुड़ेंगे ठीक है वीडियो को हम फिलहाल ये वाले पार्ट्स को इधर स्टॉप करते हैं और एक्चुअली चलते हैं
यार एक्चुअली हम आए थे, एक्चुअली हमें थोड़े से काम थे वो हमने अपने क्लियर कर लिए। हम यहाँ से वापस चलते हैं और जाके देखते हैं कि हमारा जो लाइटों वाला काम था वो कहाँ तक पहुँचा है वगैरह हमने किया। अब चेक कर रहे हैं ये देखो जी चली है, लेकिन इसमें से जो है ना दो चार लाइटें भी बंद हैं, तो वो उसका भी क्लियर कर रहे हैं। अभी हम जरा कनेक्शन वगैरह चेक कर रहे हैं कि कौन सी चल रही है कौन सी बंद है। ये A01 ये वाली लाइटें जो है ना ये बंद है। अभी इसका भाई जो है ना चेक चुक कर रहे हैं कि कौन सी चल रही है कौन सी नहीं, इसकी चेक चुक कर चेकिंग करते हैं फिर उसके बाद इसको फाइनल करते हैं। अभी ये चेक कर चलना शुरू हो गई है। यार मैंने सोचा मैंने कहा कि हमने इतने काम कर लिए हैं आप लोगों को, ये वाला लोग जो है ना हमने इतना घुमाया फिराया इसके लोगों में कि हम क्या क्या करते रहे हैं, ये सारा कुछ पिछला हमारा 10-15 दिन के कारनामे थे जो हमने किए हैं, जिन दिनों में हम लोगों ने व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं किया था ये उन दिनों के कारनामे थे। माजरत की आपका भाई इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहा है। इंशाल्लाह कल से हम जो है ना वो रूटीन से व्लॉग श्लोक बना के अपलोड किया करेंगे। अभी आपके भाई का हाल देखो, ये मेरी ये दाढ़ी शाढ़ी देख रहे हो, बुढ़े बाबू वाला हाल मेरा हुआ है। अभी हम किसी अपने पर्सनल काम पे ध्यान नहीं दे रहे, अभी हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो है लाला जी की शादी पे। इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला खैर का वक्त लाए, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ता रह गया पूरा। आज मंगल का दिन है, नेक्स्ट अब जो बुध आएगी ना, एक तो कल बुध है एक तो अगली गली आएगी, तब से शादी शुरू हो जाएगी। एक हफ्ते की बात है लाला जी की शादी में एक हफ्ता रह गया पूरा। आज हमारा जो लाइट वाला काम पेंडिंग रह गया था इसको कल हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। कल हर हाल में हम अपना ये लाइट वाला काम जो है ना इसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वो भी लोग भी आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाला हर लोग सबसे पहले पहुंचा करें आप तक। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।